छोड़ते हुए सर, वेरी गुड, आहिस्ता आहिस्ता नहीं सर, आहिस्ता बस बस हो गया भाई। वेलकम टू अस्का मनाए, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप सबको ये भी शक है कि आप पाकिस्तान बदलेंगे तो तालियां बजाइए। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो पाकिस्तान की सबसे मशहूर मॉडल रह चुकी है। आप इंडस्ट्री में सिर्फ 30 साल से काम नहीं कर रही बल्कि राज कर रही है। ना सिर्फ आप एक कामयाब मॉडल हैं बल्कि एक फैशन डिजाइनर भी हैं और एक्टर भी हैं। भरपूर तालियों में हम खुशामदीद कहेंगे आज की मेरी गेस्ट वनी ज़ेबर। वेलकम टू अस्सलाम मनाए। हमारे शो की छोटी सी रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो ऑडियंस को पहले एक शेर सुनाता है, अगर इनको अच्छा लगता है तो शो आगे चलता है वरना फिर घर चलते हैं। हाय पहले से टेस्ट जी। अच्छा, मेरे महबूब के चेहरे पे क्या, मेरे महबूब के चेहरे पे दाने निकल आए हैं, पहले वो चांद था अब तारे निकल आए हैं। वाह, मेरे महबूब के चेहरे पे दाने, बहुत अच्छा शेर, वजन भी था और महबूब भी था, शिकायत भी, बैठे भी नहीं था। वेलकम वेलकम टू अस्सलाम मनाए नीजा। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी एलिगेंट चार्मिंग ऑडियंस आई हुई आज इनके लिए। बिल्कुल ऑडियंस, मैं एग्री करती हूँ, एक्सट्रीमली चार्मिंग एंड एलिगेंट। लगा ना शौक, लगा ना हल्का सा, नहीं इतना ज्यादा नहीं, इतना शौक लग चुका है कि अब परपेचुअल उसमें मैं रहती हूँ। अच्छा, अब कोई चीज नहीं मुझे परेशान करती, मुझे चैलेंज ना कर। अच्छा नहीं, चलो चैलेंज, मैं निकलता जाता हूँ फिर। अच्छा हाँ, हाँ, हाँ बड़ा शौक लगा। अच्छा शुरू से शुरू करेंगे निजा। सुना है कि आप बचपन से बिजनेस माइंडेड थी और बचपन में आप कुछ स्टिकर्स या पेंटिंग्स या पोस्टर्स बेचा करती थी, क्या बनाती थी उनके? हाँ जी, मैं बनाती थी उस जमाने में, मुझे बड़ा शौक था गारफील्ड, एक बिल्ली बिल्ली बिल्ली, हाँ। बिल्ली थी गारफील्ड, तो वो सुस्त और चलाक बिल्ली थी, वो बहुत बहुत ज्यादा चलाक बिल्ली थी, तो मुझे बिल्ली बनाने का बड़ा शौक था, गारफील्ड और स्नूपी, मेरे जमाने में स्नूपी का था। तो मैं वो लिबर्टी बुक कॉर्नर नहीं है जी जी, लिबर्टी में वहां पे वो 800 रुपए के पोस्टर्स माउंट करके वो बेचती थी, ताकि 800 रुपए की उस जमाने में बहुत होते थे। कब के क्या है उस जमाने में 800 रुपए वाकई में बहुत नहीं, जिस जमाने में भी आप बेच रही थी। जी 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 जी, जी। बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस था। और ये बिकते भी थे? बिल्कुल बिकते थे, और फिर मैंने टी शर्ट बना के बेचती थी कॉलेज में, कपड़े बना के, जो कुछ भी मुझे बड़ा शौक था बस काम करने का। तो मैं बता रहा हूँ 2012 में मैंने पहली बार ट्यूशन पढ़ाए थे, मेरी तनख्वाह थी मंथली 700 रुपए मंथली, और आप मुझसे तो पहले ही बेच रही होंगी वो। जी जी, उससे पहले बेच 800 रुपए की, यार मैं अभी तक शौक नहीं हूँ। 800 कौन खरीदा था ये गारफील्ड? आपके वजह से खरीदे थे जी। नहीं, वो उस वक्त मेरा बस एक गारफील्ड का पोस्टर लगा था, किसी को क्या पता था मैं कौन हूँ उस वक्त। हाँ ये बात है। अक्सर मैंने मॉडल्स जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप मॉडलिंग में कैसे आए, तो सबकी एक सिमिलर सी स्टोरी होती है कि मैं तो नहीं आना चाह रही थी, मैं अपने दोस्त के साथ गई ऑडिशन पे, तो दोस्त को तो उन्होंने कहा कि तुम तो नहीं लग रहे मॉडल, ये मॉडल लग रही हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी? एक दफ़ा मेरे साथ ज़रूर एक्टिंग में ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ वो ऑडिशन के लिए जा रहे थे, एक मूवी बनी थी जिना जी हाँ, के नाम से, जिना कायदे आज़म के ऊपर, तो वो उसके लिए ऑडिशन करने जा रहे थे, मैं गाड़ी में बैठी थी, ज़रा उनको देर हो गई, उन्होंने कहा अच्छा आप वेटिंग रूम में बैठ जाएं। मुझे बिल्कुल कोई उस वक्त एक्टिंग का शौक नहीं हो रहा था, मॉडलिंग करी थी और थिएटर कर चुकी हुई थी। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो आए, उन्होंने कहा अच्छा नेक्स्ट, मैंने कहा नहीं 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 मैंने नहीं एक्टिंग करनी, उसने कहा नहीं ट्राई कर लो, इसलिए कि तुम्हारा नाक टेढ़ा है और वो कायदे आजम की तरह काफी लगता है, तो तुम ट्राई जरूर कर लो। तो मैंने वो ट्राई किया और वो मुझे रोल मिल गया। तो उस मूवी की वजह से मुझे एक्टिंग का शौक हुआ। नाइस, ये असल में होता है, ये जो अमीर लोग होते हैं इनके दोस्त भी ऐसे ऑडिशंस पे जा रहे होते हैं गानों के मॉडल, हमारे दोस्त पंक्चर लगवाने जा रहे हैं, आ रहा है, हमें ऑफर्स भी यही आती है बेटा तू मेरे साथ कहीं पंक्चर लगा बेटा, इस तरह की आती है। मुझे भी ऐसी ऑफर्स आई थी उस जमाने में, हमारे भी कुछ ऐसे ही हालात थे। अच्छा। लेकिन वो मैं पंक्चर लगाने नहीं गई, मैंने पंक्चर खुद से लगा दिया। मैंने कहा तुम छोड़ो कहाँ से लगवाने आओगे, मैं लगा देती हूँ ये काम, गाड़ी मैं उस टाइप की हूँ। वेरी नाइस। अच्छा एक काम करेंगे, सवाल जवाब होते रहेंगे, ये लोग बेताब बैठे हुए सवाल जवाब करने के लिए, बिल्कुल इनके पास माइक देते हैं, इनके मुंह लगते हैं। चलें जी, सबसे पहला शुरू हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रहमान। रहमान साहब आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कृषि यूनिवर्सिटी के अंदर। और क्या पढ़ा लेते हैं? मैं ईस्टर्न मेडिसिन। मशरक़ी दवाइयाँ, हम जो मशरक में हम रहते हैं, पाकिस्तानी मशरक में ही है पाकिस्तान, तो हमारे यहाँ तो ये होता है बेटा गर्म दूध पी लो, गर्म पानी से गरारे कर लो, आप ये वाली मेडिसिन देते हैं? हमारी जो मेडिसिन हैं वो नेचुरल बेस हैं और जो इंसान की जो केमिस्ट्री है उसके साथ मैच करती हैं। ये सिंथेटिक और जो दूसरी जो मेडिसिन आर्टिफिशियल उससे नहीं है, ये नेचर के साथ ट्रीटमेंट करती हैं, जो इंसान की जो बॉडी है उसकी जो होलिस्टिक हीलिंग है उसके साथ मैच करती हैं। इससे बच जाता है इंसान? इसलिए बिल्कुल बचता है और किसी भी तरह के इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बल्कि इंसान की जो सेल्फ हीलिंग है वो इम्प्रूव करती है। सर सवाल करेंगे या बस देखते रहें? नहीं, मेरा सवाल जो है वो इनसे है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ताबिश भाई की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है और आपकी एक एलिगेंट पर्सनैलिटी है, अगर मैं जो है मॉडलिंग में आना चाहूँ और इस फील्ड में आना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? सर आपको आपको कुछ भी करना, सर आपने रिलैक्स करना उन लोगों को जो देख रहे होंगे आपकी मॉडलिंग, उन्हें सब्र कर। आप बिल्कुल जी, मॉडलिंग जो है बिल्कुल आप मॉडल बन सकते हैं, इस कमरे में कोई भी मॉडल बन सकता है, लेकिन मॉडल का मतलब क्या है बताएं जरा। तो अगर कोई कमर्शियल बन रहा है और उसमें आपका कोई रोल हो जो आप टाइप के किसी को चाहिए हो तो ऑब्वियसली आपको आप कर सकते हैं। अच्छा अवनीश, इनको यूं याद रखें, यूं करके और देखिए क्या रोल मिलेगा सर। बिल्कुल मिलेगा, प्रोफेसर ही बन सकते हैं, देख लें वो है ही प्रोफेसर, प्रोफेसर बन सकते हैं, जहाँ से बात शुरू हुई वहीं आगे खत्म हो गई। क्या क्या बैंकर भी बन सकते हैं? बैंकर ही बन सकते हैं, है ना सर? आप दिल में क्या सोचते हैं कि आप क्या बनेंगे मॉडल में, आप क्या सोचते हैं अपने आप को? एज ए मॉडल जो है वो मैं एज ए डॉक्टर के तौर पे अपने आप को देखना चाहता हूं। बिल्कुल अपने आप को डॉक्टर, हां बिल्कुल आप डॉक्टर भी दिखेंगे। देखें वो जो हाथ धोने वाले एड्स होते हैं, जो डॉक्टर आ जाता है, ये वो जो दांत साफ करने वाले होते हैं वो डॉक्टर बना लेते हैं। ये वाले डॉक्टर बनेंगे जो कहते हैं ना हर 10 में से 9 डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जो एक नहीं होता ना वो ये होता है। मैं नहीं कर रहा रेकमेंड। बिल्कुल अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आप? डॉक्टर मुदसरा हारून। डॉक्टर मुदसरा आप क्या करती? I am teaching biochemistry in the department of eastern medicine, Karshi University. Karshi University ki aap bhi eastern medicine mein, aapko sawal kare. Mera ma'am se sawal hai ki ma'am ahde wafa mein Ahad Raza Mir ki maa ka role aapko diya gaya. Kisne aapko maa ka role diya? Aap to maa lagti nahi hai, jabki Tabish sahab agar baap ka role kare to ye zyada suit karenge. Dekhi ho Tabish. पहले तो उनके मुंह से निकल गया ऐसे बाबा, अगर वो देख लेंगे ना तो कोई दवा नहीं आएगी, ऐसे दवा करना पड़ेगा आपको भी। देखें एक तो मैं वो करना चाह रही थी रोल, इसलिए कि अच्छी अच्छा ड्रामा था और आहत का जो पहला ड्रामा था उसमें भी मैं उसकी अम्मा बनी थी बाय द वे, जो वो छोटा सा था, और उसकी जो एक्चुअल अम्मी है वो मेरी ही उम्र की हैं। अच्छा। उनकी जरा जल्दी शादी हो गई थी, तो अगर मेरी जल्दी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से शादी हुई होती तो मेरा जितना ही बच्चा होता। ओके। हाँ, तो और ऐसा लगना आई थिंक कि अगर हर इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, सही बात। हम अपना ख्याल नहीं रखते, अगर कोई अपना ख्याल रखेगा तो वो माँ तो माँ है ना, वो दिखने में क्या है, बहुत अच्छी बात, अंदर मेरी ज्यादा ममता है। मैं आपको इनका बाप लग रहा हूँ। चलिए अब है तो क्या है, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पहले चेक करूंगा माँ कौन बन रहा है। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहम। माहम आप क्या करती? मैं ईस्टर्न मेडिसिन फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा आप स्टूडेंट है, माशाल्लाह। कुछ पूछेंगी? जी, अगर आपका अपना ब्रांड है जैसे कोई भी ब्रांड शुरू करने के लिए, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं कि एक इंसान में या उस एक चीज में होनी चाहिए? ब्रांड्स के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होंगे? देखिए कोई काम शुरू करने के लिए, चाहे वो ब्रांड हो या अपना कोई काम हो, मुझे ये लगता है सबसे पहले मेहनत,
अक्ल तो चाहिए ही चाहिए ना, वो तो आपको एक आइडिया चाहिए. अगर वही आइडिया आप बाकी सारों के भी कर रहे हैं और आप भी उसको फॉलो करना चाहते हैं तो दैट्स अ बैड आइडिया. सो इट हैज़ टू बी अ नॉवल आइडिया, कोई नई चीज़. दूसरी मेहनत, तीसरी आपकी लगन, फोकस और बिलीफ. लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी, लेकिन मैंने ही अपनी ज़िंदगी में किया है कि एक फोकस किया और एक अपना एम रखा है और उसके पीछे गई हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती. ठीक है तो वो ब्रांड जो इस चीज़ का भी बनाना हो आपने, चाहे अपने आप को ब्रांड बनाना हो, आप मेहनत करें और अपने बिलीफ में ये पॉजिटिव रखेंगी तो वो काम ज़रूर होगा. मैडम, हर किस्म का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दो किस्म के लोग होते हैं. वो कहते हैं यार मेरे पास बड़ा शानदार आइडिया है, मैं ये बेचूंगा. और कुछ लोग होते हैं कि जैसे अवनीजा हैं, उन्होंने देखा कि यार ये प्रिंट्स तो बना रहे हैं मगर ये प्रिंट्स इतने खास नहीं है, रन ऑफ द मिल प्रिंट्स हैं. तो उन्होंने वो नीड आइडेंटिफाई की, यानी जो कमी थी वो आइडेंटिफाई की. जब तक आप मार्केट में कमी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, तब तक बिजनेस नहीं चलेगा. प्रॉब्लम ढूंढने, नीड ढूंढने, लोगों को चाहिए क्या वो ढूंढने, फिर बिजनेस स्टार्ट करें. वो बिजनेस चलता है हमेशा. और पैशन के साथ करें. आई फॉरगॉट दैट. पैशन के साथ आप कोई भी काम करेंगे ना बच्चों, तो वो काम नहीं लगेगा, वो मज़ा ही होगा. आप देन फिर आपका दिल ही नहीं जाता घर. जैसे हमारा जो काम है, इतने पैशन के साथ हम करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता. तो यू विल ऑलवेज फाइंड उसमें तरक्की हमेशा. मेरा हमेशा से पैशन था. वनीजा अहमद से बात करूंगा, देखो आज कितना मजा आ रहा है. अगला कौन? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कसवा चौधरी है. कसवा क्या करती है? कसवा मैं ईस्टर्न मेडिसिन की सेकंड प्रोफ की स्टूडेंट हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. कैसे टीचर हैं अब्दुल रहमान साहब? बहुत अच्छे टीचर्स हैं. और पढ़ाते कैसे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी. अब समझ में आ गया आप जी? वेरी नाइस. कोई सवाल? मेरा मैम के लिए एक शेर है. अरे वाह. तुम याद नहीं करते और हम बुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते हम रुला नहीं सकते, इतनी खूबसूरत मोहब्बत है हमारी कि तुम जान नहीं सकते और हम बता नहीं सकते. वाह वाह जी वाह. पहले क्यों नहीं मुझे सुना दिया था कि मैं सुना देती. वाह वाह, बहुत अच्छा. ब्यूटीफुल. और अब्दुल रहमान साहब कैसे टीचर? अभी तो बताया, बहुत अच्छे टीचर. अगला कौन है भाई? अरे ये पीछे लड़कों ने सेंस किया. अब्दुल रहमान, वैसे तो अब्दुल रहमान साहब हीरो भी बन सकते हैं. बन सकते हैं, की बात है. वो फिल्म बस रिलीज ना हो. अगला कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बड़ा नाम है, बड़ा नाम है ये. क्या नाम है आपका? अदन रुबाब. अदन रुबाब. अदन क्या करती है? मैं बैम फर्स्ट प्रोफ की स्टूडेंट हूँ. किसकी? बैम फर्स्ट प्रोफ की. बैम बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन. अच्छा, वही वही वही. हाँ वही वाला. तो कोई सवाल करें, अब्दुल रहमान टीचर कैसे? अभी इन्होंने हमें थोड़ी देर ही पढ़ाया, लेकिन ही इज वेरी नाइस. थोड़ी देर में इन्होंने मॉडल बन सकते हैं. बिल्कुल. क्या बात है सर, लड़के सब स्टूडेंट मरते हैं आपके सर. वाह. अदन, मेरा क्वेश्चन आपसे है. बेसिकली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है. क्या स्टार्ट की है बेटा? व्लॉगिंग. व्लॉगिंग स्टार्ट. ठीक है, अगर आप ये स्टार्ट करते हो तो अब हेटर्स तो आपके आते ही आते हैं. ठीक है, अब जब आपने अपना काम स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली आपके लिए भी बहुत से लोग आए होंगे, तो हमें किस तरह उन्हें इग्नोर करना चाहिए? मतलब कितनी आप में पावर हो कि आप उन्हें ऐसे इग्नोर करो वो नजर ही ना आए आपको? अच्छा सवाल है. देखें, मैंने अभी रिसेंटली किसी को कहा था कि हम अपना पावर किसी और को दे देते हैं. जैसे कि हमारी सोच है ना, तकलीफ सिर्फ हमें हो रही है, दूसरों को कुछ नहीं हो रही, वो आपके बारे में भूल भी गए हैं, वो गंदा सा कमेंट डालकर भूल गए हैं. राइट? बिल्कुल. डोंट गिव योर पावर टू समबडी एल्स. और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये किया था कि आज से जब मैंने काम करना शुरू किया था तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता था फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न. तो एक तो लोगों की नहीं सुननी चाहिए सबसे पहली बात, और जैसा घोड़ों के ब्लाइंडर्स नहीं होते जी, जी, जी. कि वो देखते ही नहीं है कहीं, वो सीधा चलते रहते हैं. फोकस ऑन योर वर्क. लेकिन अल्लाह आपके दिल की बातें जानता है और आपकी मेहनत देखेगा. लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए. लोगों का काम क्या है? बातें करना. हाँ ठीक, तो बस करने दो, तुम अपना काम करती रहो. ओके, थैंक यू सो मच. वेरी नाइस. अच्छा, आप भी हम बैक स्टेज बात कर रहे थे कि योर फादर पास्ड अवे व्हेन यू वर जस्ट 18, और फिर आप मॉडलिंग में आई. तो यहाँ होता ये है किसी
अब्बा का इंतकाल हो जाए तो लोग बहुत ही ज्यादा आपके साथ हमदर्दियां एंड ऑल के यार अब बेटा अब तुम्हारा क्या होगा, यतीम ना के, तो आपने इस चीज को कैसे हैंडल किया, बिकॉज आप बहुत ऐसा इंडिपेंडेंट सी और स्ट्रॉन्ग सी खातून लगती हैं और पाकिस्तान वापस आई थी। और वो हुई मैं बाद में जब अब्बा गए से कि हमारे यहाँ तो यही होता ना कि घर का मर्द सबसे सरबरा रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और उस वक्त जब मैं वापस आई मैं 18 साल की थी 19 साल की थी तो वो एक था कि हाय बेचारी यतीम। तो मैंने डिसाइड किया ये जो बेचारा मोड है ना वो इंसान को सिर्फ ख़त्म ही कर देता है। बहुत सही बात। लेकिन अगर इंसान एक दिल में कमी फील होती रही तो वो मुझे मेरे बाप ने कभी भी नहीं फील कराई थी, इसलिए कि मैं पहली लड़की उनके घर में पैदा हुई थी सबसे बड़ी। तो वो जो कमी होती ना मर्द की जो आपको कहा जाता है कि हाय बेटा नहीं पैदा हुआ, वो बचपन से था। तो अब्बू ने हमें सिखाया हुआ था कि नहीं अल्लाह मियाँ ने तुमको इतना अमेजिंग बनाया कि तुम में और आदमी में कोई फर्क नहीं है, अकल तो वही है ना। जी जी जी। तो इसलिए मुझे वो बिचारी मोड आता ही नहीं था। तो मैं कभी वो बिचारी मोड में गई नहीं। माँ बाप के बस जो सिखाया हुआ था उसमें वापस आए और कहा कि नहीं दे कि दुनिया में ऐसी कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो हमें ये कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, स्पेशली औरतें। आदमियों का मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन औरतें सब कुछ कर सकती हैं। ये मुझे था कि जब औरत एक चीज ठान ले और अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, दोनों ही मर्द और औरत सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और औरत के अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है देन द मैन, बिकॉज अल्लाह मैंने हमें दी है, हमें ज्यादा इमोशंस दी हैं। बिल्कुल। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बर्दाश्त दी है, बिल्कुल। इसलिए तो हम माँ बनते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ औरतों कभी ना डरना। अगर मर्दों की ताकत का अंदाजा लगा रहे नजले में देख लो आप। बिल्कुल। हमें अब देखो खवातीन हमारी अम्मी हमारी बेगम नजले में भी काम कर रही होती है, हम नजले में भी पड़े होते हैं। ऐसे लगता है जैसे बस दुनिया खत्म हो गई। मैन फ्लू जो है ना एक असली एक प्रॉब्लम मसला है। हाँ, मर्दों को ज्यादा असर करता है नजला। खवातीन रोजा वक्त एक्सपर्ट से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। ताबिश भाई को भी कुछ सिखाएं, वो तो सिर्फ होस्टिंग ही करते हैं। जब ताबिश भाई की उम्र की मैं थी तो एक उस टाइम पे भी मैं एक ही काम करती थी जैसे अभी उनको एंजॉय करने दें। अब ताबिश भाई जो उड़ रहे हैं ना अभी उनकी वो परवाज जरूरी है। Welcome back to हफ्ता मनाए। I'm in conversation with Vaniza Ahmed और हम दोनों बात कर रहे हैं प्यारी ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इज़ा इरफान। इज़ा क्या करती हैं आप? मैं थर्ड ईयर बैचलर्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन। ईस्टर्न मेडिसिन में आप भी पढ़ रही हैं। कोई सवाल करेंगी? जी मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अक्सर टेलर्स जो हैं वो कपड़े खराब कर देते हैं स्पेशली ईद के दिनों में। हाँ। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके कपड़े खराब हुए हैं या आपसे किसी के खराब हुए हों? नहीं मेरे से किसी के अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई खराब नहीं हुए, लेकिन मेरे हाँ बिजनेस के लिए ये हुआ था। इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई थी तो नया टेलर रखा था, ईद की कलेक्शन निकाली थी और उसने मुझे वो चांद रात पे दी तो मैं उसको बेच नहीं सकी। तो वो फिर मैंने अपने ख़ानदान वालों को बड़ी खुशी हुई इसलिए कि मैंने उनको ईदी के तौर पे सारी लड़कियों को वो कुर्ते बांट दिए थे, लेकिन मेरा नुकसान बहुत हुआ था। और तब से मैंने वो बिज़नेस छोड़ दिया है। मैंने दर्जियों को कान हाथ लगा के कि मैं आइंदा से कभी दर्जी के नहीं जाऊँगी, अब मैं बने बनाए कपड़े उठाती हूँ और पहन लेती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा मैं साथ एक बार वाकई में ऐसा हुआ, एक तो पता नहीं दर्जी लेते क्यों है कपड़े जब वो पूरे नहीं कर पाते। हमने कपड़े दे दिए भाई, हम चांद रात पे उसकी दुकान के बाहर बैठे रहे कि दे दो। वो पैक करके लाया था जो बिल्कुल सेट से, बस सुबह पहना भाई जान सीधे हाथ की आस्तीन ही नहीं थी उसमें। ये ठीक है नहीं बिल्कुल ऐसा हो सकता। मैं चादर लपेट के चले गया। दूसरे रकत में चादर निकल गई। अब लोग कह रहे हैं यार ये किस किस्म के कपड़े हैं। तो ये अगला कौन है? अच्छा एक इज़ा को माइक दो। इज़ा माइक खोलो इज़ा का। इज़ा अब्दुल रहमान साहब टीचर कैसे? बहुत अच्छे। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम राफे है। राफे आप क्या करते हैं? ईस्टर्न मेडिसिन में बैचलर। नहीं मैं ईस्टर्न में नहीं हूं। क्यों नहीं हो? मैं बीबीए में हूं, फोर्थ सेमेस्टर। बीबीए में तुम वेस्टर्न स्टडीज कर। तुम्हें पता ही नहीं होगा अब्दुल रहमान साहब टीचर कैसे है ना? वैसे पता बहुत अच्छे हैं। वैसे पता है तुम्हें बहुत अच्छे।
तो भाई क्या सवाल है? मेरा आप दोनों से सवाल है, मैम अनीजा से भी है। मैम अनीजा, मेरा आपसे यह है कि अगर एक कश्ती है उसमें एक बंदे के बिठाने की जगह है और सामने पानी में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और कैदी नंबर 804 है, आप किसको बिठाएंगे? जल्दी चप्पू मार के निकल जाएंगे। यही सोच रही थी यहाँ तो मैं भी छलांग मार दूंगी उनके साथ जाके, फिर वो चप्पू लेकर मैं भाग जाऊंगी, मुझे लग रहा है। हाँ, रिस्क तो है। रिस्क है? नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं भाई साहब, कोई नहीं। मैं सबसे नॉन पॉलिटिकल किस्म की इंसान हूँ। मैं फिर एक्टर्स में कर लूँ अगर आप? हाँ, एक्टर्स करो। आप एक काम उनमें से उठा, आप मियाँ साहब और बिलावल भुट्टो को बचा लीजिएगा, वो कैदी 804 खुद सरवाइव करेगा। अगला सवाल मुझसे भी आपका ये सवाल था। ये भी आप जवाब देना, आप डिफरेंट क्वेश्चन है। अगला दूसरा सवाल है कोई? हाँ सर, पूछो। मैं तो सेम सवाल है कि एक ही कश्ती है उसमें एक बंदे के बिठाने की जगह, लेकिन पानी में मेविश हयात, आयशा उमर और दुरे फिशाएं, किसको चूज करेंगे? ओए होए साहब, अरे कश्ती गई बाहर में, मैं पानी में होऊंगा बाबा। मैं कहा एक ही जगह, मैं तो वहां जाऊंगा। मौत के वक्त सुकून होना चाहिए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर बिन हारून। उमर बिन हारून, क्या करते हो उमर बिन हारून? मैं एक्चुअली शहर से बाहर कैडेट कॉलेज कलकहार में पढ़ता हूँ। एक्चुअली तुम शहर से बाहर कैडेट कॉलेज कलकहार में पढ़ते हो? तो इन लोगों में कैसे आ गए तुम, इस हुजूम में कैसे हो तुम? अलग से आए हो, सेपरेट आए हो? भाई के साथ आए हो। भाई के साथ? भाई लेकिन आपके नेचुरल साइंस में बैचलर है। वेरी गुड, तो कनेक्शन होना चाहिए। वेरी गुड, कोई सवाल करेंगे बेटा? मेरा एक्चुअली आपसे सवाल है। एक्चुअली करो। आपकी लाइफ में ऐसा कोई आपने डिसीजन लिया हो और उसके बाद आपने, आपको एकदम ही याद आया और आपने बोला ये मैंने क्या किया और उसका रिग्रेट हुआ हो बहुत ज़्यादा, मतलब उसके कोई चेंजिंग हो आपकी लाइफ में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है यार, मैंने जो डिसीजन ले लिया ना, फिर मैं मेहनत करता हूँ उसके अंदर, मैं रिग्रेट नहीं करता। हो गया तो बस हो गया, करो बस। आप बताओ। पता है मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें उन्होंने जब डेथ बेड पे जो फौत होने वाले लोग थे उनसे पूछा गया कि आपकी क्या रिग्रेट रही है जिंदगी में, और सारों का एक ही जवाब था कि जो काम किया उसकी रिग्रेट नहीं थी, जो नहीं किया उसकी रिग्रेट रहती है। बेसिकली नॉट व्हाट यू डिड, जैसे इन्होंने कहा जो डिसीजन ले लिया उसको पूरी अच्छे तरीके से करो, लेकिन जो नहीं लिया ना, जो रिस्क नहीं लिया उसका रिग्रेट रहेगा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? असद अली। असद अली, यस। नेचुरल साइंसेस पढ़ ले? यस यस। वेरी गुड, और कोई सवाल करेंगे? मेरा मैम से सवाल है कि मैम आप एक्टर हैं, मॉडलिंग भी करती हैं और आपका खुद का भी बिजनेस है और इसके अलावा आप डिजाइनिंग भी करती हैं, तो आप ताबिश भाई को भी कुछ सिखाएं, वो तो सिर्फ होस्टिंग ही करते हैं। जब ताबिश भाई की उम्र की मैं थी तो एक उस टाइम पे भी मैं एक ही काम करती थी, लेकिन अभी उनको एंजॉय करने दें। अब ताबिश भाई जो उड़ रहे हैं ना, अभी उनकी वो परवाज जरूरी है, वो और कुछ नहीं कर सकते अभी। ये वाला उड़ना मैं कह रही थी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बहुत अच्छी ऑडियंस थी अपने लिए, तालियां बजाइए। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं। ऊपर चला गया, बच के निकल गया, मुर्गी के पीछे फंस गया, तो बेचारी जल्दी पैदा हो गई। वेलकम बैक टू अस्ता मनाए, मेरे साथ मौजूद हैं वनीजा अहमद। अच्छा वनीजा, अब आप मॉडलिंग नहीं कर रही हैं? अब मैं कुछ ज्यादा नहीं, कुछ अब नहीं, आप क्या कर रही हैं? आजकल फारिग हूँ, बच्चे पाल रही थी मैं। वेरी नाइस। इसलिए कि मैंने डिसाइड किया था कि जब तक मेरी बेटी 8 साल की नहीं होगी तो मैं घर से निकल के काम नहीं करूंगी। वो माशाल्लाह 9 साल की होने वाली हैं, तो अच्छा आप जैसी एक खातून, मुझे ऐसा देता आउटलुक देखने में, अगर जज करूंगा तो ऐसा लगेगा भाई मॉडर्न अपना वोक होंगी, मॉडर्न डे ख्यालात होंगे और काफी स्ट्रांग हेडेड होंगी। अक्सर ये जो बच्चों की, जैसे मेरी वाइफ ने भी नौकरी छोड़ दी खुद से, वॉलंटियरली, मैंने नहीं, जी जी बिल्कुल, बच्चे पाल लें भाई, ये फोकस नहीं हो पा रहे, तो ये लुक डाउन अपॉन होती है अक्सर चीजें, बीवी घर बिठा ली भाई जी, बच्चे हो गए तो। बड़ी गलत बात है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। देखें
हर आदमी ऐसा नहीं होता कि छोटी दिमाग का हो कि वो औरत को काम ना करने दे, लेकिन औरत क्यों काम करने जाती है अगर मजबूरी होती है। मुझे कोई इतना शौक नहीं था काम करने का, ठीक है, बिकॉज स्पेशली जब मैंने शादी कर ली, बिकॉज जो बच्चा पैदा, आपका जो बच्चा है वो किसी भी कंपनी किसी भी से ज़्यादा ज़रूरी है, और वो माँ का काम है उसको तरबियत देना, स्पेशली पहले 8 साल जब उसका सबकॉन्शियस बन रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी बन रही होती है, तो आई थिंक कि वो सबसे मुश्किल काम है माँ बनना। कोई सबसे एक मैं कंपनी चलाती थी वो ज़्यादा आसान था, मैंने एक चैनल चलाया वो उससे भी ज़्यादा आसान काम था, लेकिन एक बच्चे को पालना वो सबसे मुश्किल काम है। तो आई थिंक एक बहुत प्रोग्रेसिव आदमी होगा जो कहेगा कि नहीं बेटे, बीवी को कहेगा तुम घर पे अपनी बच्चों का ख्याल रखो, लेकिन आजकल ऐसा है कि एक इनकम में नहीं पूरा नहीं हो रहा। औरत की कंट्रीब्यूशन और औरत में सिर्फ सिर्फ घर को संभालने की कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसकी इतनी अकल होती है कि वो और काम भी, जैसे ये देखें कितने बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वी नीड डॉक्टर्स, वी नीड दीज पीपल। बट अगर आपने डिसाइड किया है कि आपने बच्चा पैदा करना है, तो टाइम उसको ना सिर्फ माँ बल्कि बाप को भी देना चाहिए। हाँ। तो इट्स नॉट कि एक को देना चाहिए, दोनों को देना चाहिए। बच्चे ही पाल रही होती, मियां भी पाल रही होती हैं। जी जी बिल्कुल वही तो कह रही थी, मियां तो सबसे बड़ा बच्चा है आपका। हाँ। तो इसलिए वो जरूरी है कि आप बच्चा बन जाते, घर जाती मैं बीमार हूं, सिर्फ आप नहीं सारे मर्द ऐसा होता है। एक जमाने में हम बाहर मुल्क में रहते थे, तो वहाँ आपको पता है सभी को नौकरी करनी पड़ जाती है, तो वो भी करती थी, मगर जब उन्होंने नौकरी स्टार्ट की तो हमने एक डिस्कशन किया कि देखो अब हम फाइनेंशियली तुम जैसे मैं 60% कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो 40% कर रही हूँ, तो अब घर का काम भी इसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये घर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी काम करे, मेरे पास बहाना ही नहीं था कि मैं थका आ रहा हूँ, क्योंकि वो भी थका आ रही है। बिल्कुल, तो ये अगर इस तरह इंसाफ रख के चलेंगे ना, तो फिर मसाइल नहीं पैदा होते। अगर नहीं भी, मैं कहती हूँ अगर आप नहीं भी आपका उतना काम है, जैसे मेरे वालिद करते थे, संडेज को मेरी अम्मी को छुट्टी देते, मेरी अम्मी कोई काम नहीं करती थी, हम बाहर रहते थे, अम्मी कहते थे नहीं हम लोग सफाई करेंगे, इसलिए कि आदमी की इज्जत में कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी अपना घर है भाई। हाँ। अगर कर लिए कपड़े इस्त्री तो क्या सुन रहे हैं अब्दुल रहमान, सुन रहे हैं, अगर बर्तन अगर हेल्प कर लिया धोने में तो क्या फर्क पड़ता है। बल्कि अभी रिसेंटली जो लास्ट मेरा ड्रामा था, हमने कश्यप फाउंडेशन के लिए किया था, और हमने उसमें यही दिखाया था कि बिलाल अब्बास एक एक्टर है, उनका वो अपनी अम्मा को हेल्प करते हैं बर्तन धोने में, वो कहती है अच्छा मेरी शलवार इस्त्री करके ले आओ। इसमें मर्दों को अपनी इज्जत की कमी नहीं होना चाहिए, बल्कि फ़ख्र से कहना चाहिए कि मैंने अपनी माँ की हेल्प करी है, मैंने अपनी बहन की हेल्प करी है, मैंने अपनी बीवी की हेल्प करी, वो आप ज़्यादा अप्रिशिएट हो गए। हाँ, शायद दोस्तों में बुरा भला कहा जाए इसलिए कि वो क्या कहते हैं, लड़कियों की बहुत मदद करते हैं लड़के, जब तक शादी नहीं हो जाती, जब तक शादी नहीं। हाँ, मैंने खुद जूतियाँ टकवाई हैं अपनी दोस्तों की। हाँ हाँ, एक बार यूनिवर्सिटी में आया था, जूती टूट गई, तो आपने तो फौरन आ गए होंगे, मैं नोट्स की फाइल में दबा के मोची के पास ले गया। वो बहुत मेहनत करते हम लोग, और बीवी बोलती रहती होगी कि मेरा जूता टूट गया, हाँ नया दिला दूंगा, मैं मेरी चप्पल पहन लो भाई। अच्छा अवनीत, क्योंकि आपका पेंटिंग में काफी लेन देन दखल रहा है, खरीदती भी है, वो बेची भी है बचपन में, कुछ पेंटिंग लगाऊंगा मैं जो मेरी नजर में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है फजूल सी है, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिकती है, आपने मुझे समझाना है कि इनमें क्या, आप कीमत गैस करेंगे, ठीक है? मैं भी अभी तक समझ रही हूँ कि वो क्यों ऐसा होता है, बाकायदा ये पेंटिंग है, पीछे देख लें एक बार, इस तरह की पेंटिंग है, कीमत गैस कर दें, कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, 1.1 मिलियन डॉलर, कितने करोड़, 11 लाख डॉलर की पेंटिंग है ये, बताइए बताइए कितने, 3.5-4 अब्दुल रहमान साहब, मैं मतलब पीक फेंक दूं, वो बिक रही है, तो वो बेचना शुरू कर देते था, बेश पीके फेंक के ना, अगर ये हो रहा है तो फिर हम भी कर सकते हैं। तो क्या ये क्यों बिकी होगी 1 पॉइंट, मैंने सुना ये स्कैम है पूरा, स्कैम बिकॉज दुनिया भर में आपकी क्रिएटिविटी पे, ये क्रिएटिव नहीं है, आई डोंट थिंक इसमें क्रिएटिविटी, अल्लाह मियां ने पर्पल रंग दिया उस पे आपने पूरा कर दिया, दो सफेद लाइनें ऊपर नीचे डाल दी, वो कुछ भी नहीं है, बट बाहर जरा लोगों का एक नाम बन जाता है तो आई गेस वो कुछ भी करें, ये आपस में खरीदते हैं, किसी ने 1.1 मिलियन की खरीदी, इसकी कीमत ये बढ़ा दी, अब जो अगला खरीदेगा 1.5 खरीद लेगा, है ये कचरा स्टफ, ऐसे कचरा स्टफ। अब ये बताओ ये पेंटिंग है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पेंटिंग है, और पता ही है मैंने देखा था ये, इन्होंने गैलरी पे ये लगाई थी, केला निकाल के ले गया, और कोई केला खा के ले गया उस पेंटिंग को, और वो बंदा दूसरा केला लगा दिया जी, ये 1,20,000 डॉलर की है, 1,20,000 5-6 करोड़ रुपए की बन गई। तो आप सोचो जब ये केला घुस जाएगा और सड़ जाएगा, दूसरा तो केला लगा देगा वो, दूसरा केला लगा, केले पे केला
अब नहीं भाई, ये मुझे भी नहीं समझ आता। अब एक काम करते हैं, एक काम करते, हमारे वक्त आ चुका है एक गेम का, गेम सेगमेंट का, सेगमेंट का नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये, एक स्केच यहाँ आएगा और 5 सेकंड जैसे ही वो आएगा, ये 5 4 3 2 1 करेंगे वो गायब हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास 30 सेकंड होंगे टू रिक्रिएट इट। चलो भाई बनावटी, और मैं अपनी पिक्चर जो बना रहा हूँ नीलाम। वो भी क्या, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, केले ही बना रहा हूँ। यानी क्या मछलियाँ, हाँ मेरी भी कोई मछली टाइप लग रही है, जरा शेडिंग होने का जरूर। हे यार, उनके तो वही लग रही हैं जो बनाए हुए थे। वाह, मेरे केलों में थोड़ा सी जेनेटिक मसाइल है। चाइना के तो नहीं, चाइना के केले हैं। नहीं बहुत बुरी है, मेरी बहुत बुरी है। एक और भाई, एक और लगाओ। चाइना का केला, जैसे आजकल चाइना का गाजर मिल रहा है, चाइना के नींबू मिल रहे हैं। मैंने कहा वो क्या मतलब चाइना के गाजर और नींबू, तू चाइना में क्या क्यों नहीं खाते होंगे लोग, वो सर क्या लगता है आपको? मतलब के टॉयलेट में भी छुपकर ही खाते दिखाओ। अरे 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 अरे, ये तो बड़ा मुश्किल काम कर दिया। तुम से थी मेरा डायनासोर बेचारा। वो उसके ऊपर चला गया, बच के निकल गया, मुर्गी के पीछे फंस गया, जो बेचारी जल्दी पैदा हो गई। टांगे थोड़ी सीधी हो गई इसकी। हाँ, मेरी दोनों डायनासोर रह चुका, हमने तो देखे नहीं। हाँ, मेरी चिड़िया वाला डायनासोर। पर जिनका ख्याल है सबसे अच्छी, इन्होंने मनाई, ताली बजाएं प्लीज। भाई ये जो केले मैंने बनाए ना, ये फॉर सेल है, अगर कोई 4-5 लाख डॉलर लेकर आया है तो मैं उसको भेज दूंगा। भेज दो, भेज दो। हाँ, तीनों हजार वक्त हुआ, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, आसान बनाया कहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हसना मनाए। अच्छा मनीषा, ऐसा है कि इस पूरी महफिल में सिर्फ दो लोग ही टैलेंटेड नहीं है, आप भी आई हैं, तो हमारे पास एक शख्स मौजूद हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इनसे हम बात करेंगे और गाना भी गाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई आप गाना गाते हैं? जी। थोड़ा सा हो जाए फिर, कुछ हो जाए फिर। जी कलाम पेश करूँगा। पेश करें। मंगा होर की मैं रब को लूं, ते नित खैर मंगा तेरे दम दी। वाह। बाज सजन दिल दिया मेहर मावे, ते भला मैं को जी किस कम दी। क्या बात। वे नित खैर मंगा सोने, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगी दी। नित खैर मंगा सोने, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगी दी। वे तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी, तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगी दी। नित खैर मंगा सोने, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगी। अब वक्त है करशी जामशीरी के सवाल का। अच्छा, हमारे पास कहने लगे थे गाना गाए। नहीं नहीं, करती कर, इतना जूम थोड़ी करूंगा मैं अपने शो पे। अब करशी जामशीरी का सवाल है, मैम इनसे सवाल पूछेंगे, सही जवाब देंगे तो इनको ये मिलेगा। अच्छा, सवाल पूछूंगा, हाथ खड़ा करेंगे, जवाब नहीं देंगे
सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, जिसे पूछूंगा वो जवाब देगा। दिखाएं सवाल। मुत्तहिदा अरब अमारात का दारुल हुकूमत कौन सा है? यूएई का, यूएई का करशी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से करशी जामे शीरी का सवाल। दारुल हुकूमत क्या है? यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। हाँ भाई, इनको तो माइक, ये शाल वाले लड़के को। शारजा? गलत जवाब। हाँ, ये जैकेट वाले लड़के को। हाँ भाई, अबू धाबी। अबू धाबी इज द राइट आंसर। आ जाओ मेरी जान, दिखाएं अबू धाबी। वेल डन, साबित। चलो अब ऐसे खवातीन हज़रात, आज का अस्ना मना यही खुदाम को पहुंचता है। मेरे साथ मौजूद थी द ग्रेट वनीजा अहमद। बहुत मजा आया वनीजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्ना मना। आने से पहले यूजली मैं करता हूँ कमाल की बात, मगर जब कोई कमाल का गेस्ट आया हो तो मैं ये काम उसको कहता हूँ कि वो करे। तो आज आप करेंगी कमाल की बात पाकिस्तान से और यहाँ बैठी ऑडियंस। देखिए, मुझे तो आजकल जो कमाल की बात ये लग रही है कि जो मैं आज मैंने यूथ देखी है और माशाल्लाह उनका जो मैंने एनर्जी देखी है, तो मेरा तो ये ख्याल है कि हर इंसान जो अभी देख रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं, अपने अंदर बिलीव करें और देखें कि कितना कॉन्फिडेंस है आजकल के लोगों में। आपके अंदर भी होना चाहिए, और जो आपके ख्वाब हैं उनके पीछे आप ज़रूर जाएं, मेहनत ज़रूर करें। इसलिए कि मैं जो रियलाइज़ करी हूँ कि हमारे यहाँ ज़रा मेहनत कम हो गई है, तो आई थिंक जो आपकी सोच है उस पर ट्रस्ट करें, अपने आप के अंदर ट्रस्ट करें। इसलिए कि अल्लाह मियाँ ने आपको हट के अलग से बनाया है, और आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो आप इर्द गिर्द दूसरों में देखते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो अपनी डिस्कवर करें, अपने आप के अंदर ढूंढें कि आपके अंदर क्या पावर है, आपके अंदर क्या सलाहियत है जो दूसरे नहीं दे सकते। एंड आई थिंक गो आफ्टर योर ड्रीम्स। और ये कमाल की बात है कि इंसान बहुत अमेजिंग है, आप बहुत अमेजिंग है। आप बेशक बहुत अमेजिंग है। इस वक्त बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में रात के 12। मनीषा यूजुअली 12 बजे क्या कर रही होती हैं? सो रही होती हैं। अभी सो रही होती है, पूरी इंडस्ट्री सो रही होती है। मैंने सुन रखा था पूरी रात पार्टियां करते हैं, डांस करते हैं, ये करते हैं, सब सो रही। जिससे पूछता हूँ सब सो रही। किससे पूछते हो ये तुम? तो आते हैं डांस कौन करता है पहले? अरे मैंने सुन रखा था जब मैं आया नहीं था। अच्छा, इसमें तो मैंने सुना था ये लोग ऐसे आवारा होते हैं, जागते रहते हैं, नाचते रहते हैं। अब जिससे पूछता हूँ 12 हम तो सो जाते हैं। अरे ये कौन सी इंडस्ट्री है? तो मैं इस्लामाबाद सब शरीफ क्यों हो गए? मैं इस्लामाबाद रहती हूँ, और मजाक के अलावा मैं वाकई 8:30-9 बजे सो जाती हूँ। इसलिए कि मैंने जो दूसरी कमाल की बात डिस्कवर की है वो ये है कि मैं सर्कैडियन रिदम जो होता है सूरज के साथ, तो मैं जागती सूरज के साथ हूँ और मैं सोती सूरज के साथ। मैं जागता भी बेगम के साथ हूँ, सोता भी बेगम। जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।